जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये संगोष्ठी दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान JNU, शोध संवाद रिसर्च फोरम और नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम मिलके हम लोगों ने आयोजित किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो भी अनफॉर्चुनेट चीज़ें यहाँ पे हुई, जिसके वजह से एक जो इमेज बाहर के लोगों में जो गई है, तो इसकी वजह से पार्टिसिपेंट्स, ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उसमें थोड़ा इसका इफेक्ट हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे सारे लोग आएंगे। इस हम लोग थोड़ी सी देरी से ही चल रहे हैं, तो मैं बिना कोई लंबा बात रखे मैं सीधा आमंत्रित करना चाहूँगा सबसे पहले आज के हमारे इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा जी, आप प्लीज आए और मंच पे अपना भाषण दीजिए। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज की संगोष्ठी के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर रिजवानुर रहमान, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर प्रोफेसर अश्विनी कुमार महापात्र जी, जो आज के हमारे इस संगोष्ठी के सत्र के कीनोट स्पीकर हैं। तो इससे पहले कि हमारे सत्र की कार्यवाही शुरू हो, मैं अनुरोध करना चाहूँगा मेरे सहयोगियों से कि शकीला आए और प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा जी को एक मोमेंटो से स्वागत करें। मैं ओम प्रकाश मांझी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए और प्रोफेसर रिजवानुर रहमान सर का स्वागत करें। मैं आदित्य से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए और हमारे आज के संगोष्ठी के कीनोट स्पीकर प्रोफेसर अश्विनी कुमार महापात्र जी को मोमेंटो से स्वागत करें। जो ये जो संगोष्ठी है, बेसिकली एक बायलिंगुअल, हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बायलिंगुअल रखा है कि जिसे हम लोग लिटरेचर बैकग्राउंड के हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग जो आप लोग आए हुए हैं अलग अलग बैकग्राउंड अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, और पेपर भी मैक्सिमम जो पेपर आए हुए हमारे पास वो पेपर भी मैक्सिमम इंग्लिश में है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो अप्रोच है हमेशा एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहता है, कि जब तक जो नॉलेज है, जो नॉलेज के अलग अलग फील्ड है, जब तक हम एक दूसरे को नहीं जानेंगे तब तक हमारा ज्ञान उतना सार्थक नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो संगोष्ठी है हम सब के लिए, जैसे कि मैं हिंदी लिटरेचर से हूँ, कोई ये मेरे साथी डेवलपमेंट स्टडी से है, ओम प्रकाश भाई ये सोशल वर्क से है, अलग अलग डिसिप्लिन से है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो पूरे दो दिन की जो हमारे जितने भी सत्र होंगे अलग अलग वक्ता आएंगे, आप लोग भी अपना पेपर पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, और इसके बाद इस संगोष्ठी की जो जितने भी पेपर हैं उस पेपर में जो भी पेपर पब्लिश करने लायक है उस पेपर को हम पब्लिश करेंगे, बुक में भी जगह देंगे। तो मैं ज़्यादा बातें आप लोगों के सामने नहीं रखूँगा, क्योंकि समय कि हम बहुत समय की कमी है, हम देर से शुरू कर पाए हैं। तो सबसे पहले